का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ग्रो मोड ट्रेडिंग में। तो गाइस आज हम फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं GMR एयरपोर्ट के बारे में, जिसमें कि आज के ट्रेडिंग सेशन में आपको 4% की अपसाइड की स्ट्रेंथ देखने को मिली है और इसका जो लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस है वो आपके सामने है 55.40 रुपये और यहाँ पर आपको इसमें स्ट्रेंथ 4% की देखने को मिली है और यहाँ पर 52 वीक लो देखेंगे इसका 33.35 रुपये का है। 52 वीक हाई 55.70 रुपये का है, जो कि आज के ट्रेडिंग सेशन में ही इसने अचीव किया है अपना ये टारगेट। और उसके अलावा यदि हम इसके फंड और मार्केट कैप के अकॉर्डिंग देखें तो ये स्मॉल कैप कंपनी है गाइस, और जो अडानी एंटरप्राइजेस में वैल्यू डिक्रीज हुई है गाइस, और जितना भी अडानी के ऊपर एलिगेशन लगेंगे उसके सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी यदि कोई कंपनी होगी तो वो GMR एयरपोर्ट होगी गाइस, क्योंकि सभी अडानी एंटरप्राइजेस के जो भी गवर्नमेंट के द्वारा लीज पे दिए गए हैं एयरपोर्ट वगैरह, वो कहीं ना कहीं इस कंपनी के ऊपर बिडिंग इंक्लूड होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी अच्छी है गाइस। और यहाँ पे सेक्टर का पी रेशो देखेंगे वो 27.40 का है और यहाँ पे डेटा नन है गाइस, तो इस अकॉर्डिंग हम इसमें अभी कुछ देख नहीं सकते हैं। और उसके अलावा यदि हम इसकी शेयर होल्डिंग पैरामीटर देखेंगे, जो कि इसमें पहले एलिगेशन लगे थे कि इसको जब UPA की गवर्नमेंट थी गाइस, तो UPA की गवर्नमेंट GMR एयरपोर्ट में काफ़ी इनिशिएटिव ले रही थी, इसकी बेनिफिट के लिए काफ़ी डिसीजन लिए थे UPA की गवर्नमेंट ने। जब NDA गवर्नमेंट आई तो वो अडानी के फेवर में काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव लिए ले रही थी, तो उन कुछ कंपैरिजन में देख सकते हैं भी ये प्रीवियस के काफ़ी ज़्यादा ट्रैक रिकॉर्ड वाली कंपनी है, तो उन पैरामीटर के अकॉर्डिंग इसमें काफ़ी ज़्यादा वैल्यू गेन होने की पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पे चार्ट पैरामीटर पे देखेंगे तो कंपनी एक हायर हाई बनाने की जर्नी में चल रहा है अभी तक ये शेयर। और जिस भी पर्सन को F&O ट्रेडिंग में रुचि है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक से हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके हमारे साथ ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकता है, जिसमें कि हम डेली के 2 टारगेट प्रोवाइड करवाते हैं। हमारे टारगेट 8 होने की पॉसिबिलिटी 60 से 80% रहती है, और जिस भी पर्सन का अभी तक डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट नहीं ओपन हुआ है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक से अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा सकता है, जिसमें कि आपको एनुअल मेंटेनेंस फीस नहीं पे करनी होगी एज अ लाइफ टाइम के लिए। और जिस भी पर्सन को F&O ट्रेडिंग में रुचि है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक से यदि आप स्टॉक के रेफरल अकाउंट से अकाउंट ओपन करवाता है उनको 15 रुपये पर F&O के लॉट पर चार्जेस लगेंगे, जो कि नॉर्मल से देखेंगे आप तो 25 से 26 रुपये के चार्जेस लगते हैं, आप स्टॉक या किसी भी और ब्रोकर में वो आपको 15-15 रुपये के लगेंगे गाइस। तो जल्दी से जाइए हमारे रेफरल अकाउंट से अपना अकाउंट ओपन करवाइए गाइस और अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे 1 वीक में इसमें 5% का रिटर्न दिया है, 1 मंथ में इसने 25% का रिटर्न दिया है, 3 महीनों में इसने 22.70% का रिटर्न दिया है, एयरटेल डेट में 14% का रिटर्न दिया है, 1 ईयर्स में 16% का रिटर्न दिया है, और 3 सालों में 127% का रिटर्न दिया है। तो रिटर्न वाइज कंपनी काफ़ी अच्छी वर्क कर रही है। और उसके अलावा हम यहाँ पे देखेंगे तो GMR एयरपोर्ट ने ट्रेड डाउन डिपॉजिट लोअर द Q1 लेस द नूड टू रेज 5000 करोड़ रुपए इन्होंने रेस किए हैं गाइस, वो भी इसी अगस्त में इसकी ये न्यूज आई है गाइस। तो वो रेज जो जिस एयरपोर्ट की बिडिंग वगैरह के लिए किए गए हैं तो उनमें भी काफ़ी अच्छा फैक्टर इन है इसके लिए लॉन्ग टर्म वैल्यू गेन करवाने के लिए। और जब भी कोई प्रीवियस के ट्रैक रिकॉर्ड की कंपनी हो गाइस तो उसके में सस्टेनेबिलिटी बनने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है अदर न्यू कंपनी के कंपेरिजन में। और आप यहां पे देखेंगे 19 तारीख का अपडेट आया था, जो कि अर्निंग कॉल ट्रांसपेट का सर्कुलर आया था कंपनी की तरफ से। और यहां पे रेवेन्यू देखेंगे तो रेवेन्यू 2020 के बाद इनका डिक्रीजिंग फेस में था और 2021 से 23 तक इंक्रीजिंग फेस में है, तो उन पैरामीटर पे कंपनी थोड़ी सी नेगलिजिबल लग रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे नेट प्रॉफिट भी इसके जो लॉस में जा रहा था वो लॉस भी थोड़ा बहुत डिक्रीजिंग फेस में आ रहा है आपके क्वार्टरली परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग गाइस। तो इसमें नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर रिजल्ट देखने पड़ेंगे तब जाके इसमें पता चलेगा इसमें आने वाले ट्रेडिंग सेशन में क्या पॉसिबिलिटी बन रही है इस शेयर में। और आप यहां पे देखेंगे ऑपरेशन से एक्टिविटी वगैरह जो कि 2022 के क्वार्टर में 3256 करोड़ की थी, और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी भी नेगेटिव में ही थी और फाइनेंशियल एक्टिविटी भी नेगेटिव में ही थी। तो ये कुछ पैरामीटर हैं
जीएमआर एयरपोर्ट के, जिसमें कि आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और यहाँ पे आप देखेंगे 2680 करोड़ का नेट कैश फ्लो डाउन में चल रहा है, तो वहाँ पे भी एक थोड़ा बहुत रिस्की फैक्टर है। और यहाँ पे हम देखेंगे प्रमोटर की ओनरशिप इसमें 59% की है, और जिसमें कि 71% हिस्सेदारी इन्होंने प्लेज रखी हुई है। और यहाँ पर आप देखेंगे FIIs की हिस्सेदारी इसमें काफ़ी ज़्यादा बना रखी है, तो वो एक इसके लिए वैल्यू ऑफ द गेन सिचुएशन है गाइस। आप यहां पे देखेंगे 28.15 की हिस्सेदारी FIIs की है, तो FIIs जब भी किसी कंपनी में बल्क में बाइंग कर रखते हैं इतनी शेयर होल्डिंग, तो उनको प्रमोटर से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है कंपनी के बारे में। तो इन चीज़ों का ज़रूर आप नोट डाउन कीजिए जब भी आप इसमें होल्डिंग को इंक्रीज या डिक्रीज करें गाइस। तो ये थी आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।